नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। जानकारी लेते एक होम्योपैथी दवाई की जो बच्चों में बहुत ज़्यादा काम में आती है। जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, आज 35 साल हो गए, बच्चे बड़े खुश रहते हैं। मीठी दवाई मिलती है और बीमारी भी जल्दी से ठीक हो जाती है, बाद में थकान भी नहीं होती है, तो बड़े खुश हो जाते हैं इसे। तो आज जो मैं आपको दवाई बताने वाला हूँ, वो बच्चे के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप रखते हो। ऐसे बच्चे हर घर में होते हैं, कभी न कभी आपका बच्चा भी इस तरह से बिहेवियर करता है। तो देखते हैं डिटेल में, ये जो बच्चे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते रहते, कंटिन्यूसली दे आर वीपिंग, और उनका जो रोना है, वो रोना जब आपके कान में पड़ेगा ना, तो बोलेंगे यार कितना रो रहा है ये बच्चा, कितनी तकलीफ हो रही होगी इसको, यार चुप हो जाना, कितना रो रहा है, मतलब सामने वाले को फील होता है ये, और उसकी दया आने लगती है। तो हम लोग जाते हैं उसको, बोले चल भाई घुमा के लाता हूँ, आ जा मेरे पास में। तो जैसे ही आप उसके पास जाओगे, तो बोलेगा नहीं आना है मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ, वो आपको हाथ लगाने ही नहीं देगा। आपने अगर फिर भी जबरदस्ती उसको लेने की कोशिश किया, तो वो डबल स्पीड से रोना शुरू कर देता है, और चुप तो होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर आप उसको जनरली रोने लगा, तो बच्चा हम लोग क्या करते हैं, खिलौने देते, भाई ये ले वो ले, ऐसे अलग अलग खिलौने उसके सामने रखते हैं, वो भी फेंक देता है, वो लेके नहीं चाहिए। तो उसको खिलौना नहीं चाहिए, बस वो अंदर से उसको कोई तकलीफ हो रही है, चिढ़ा हुआ है एकदम से, शांति नहीं उसके दिमाग को, चाहता है वो शांति लेकिन मिलती नहीं है। उसके माँ बाप उसके घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, गोद में लेके, नीचे तो उसको छोड़ ही नहीं सकते हो आप, कंधे पे भी लेके अगर आप घूमते हो तो थोड़ा कम रोएगा, रोएगा जरूर लेकिन थोड़ा कम रोएगा। हमेशा उसकी नाक में ऐसे से रब करते रहता है, हमेशा नाक में उंगली डालते रहता है, पूरे चेहरे पे देखेंगे तो इधर वाइट वाइट उसको स्पॉट हो गए, आंखों के नीचे काले काले धब्बे हो गए, और चेहरा ऐसे मतलब एक सिक लुकिंग चेहरा हो गया उनका, बीमार दिख रहे हैं लेकिन भूख तो बहुत तेज लगती है, खाना बराबर से खा लेते हैं, और 1 घंटा हो गया कि वापस खाने को उनको चाहिए होता है, खाने को अगर नहीं मिला तो बहुत परेशान हो जाते हैं, चिल्लम चिल्ली रोना शुरू हो जाते हैं। और इनकी एक आदत आप मार्क करिए कि जब एक खाना इनको देते हैं, तो बच्चा तो छोटा है लेकिन खुद के हाथ से इनको खाना है, आप बोलेंगे बेटा मैं खिलाते हो तुमको, ऐसा करते हैं वैसा करते, तो ये रोना शुरू कर देगा और वो पैरों से थाली को भी फेंक देगा और ज़मीन पे लेट जाएगा, जोर जोर से रोना शुरू कर देगा और फिर चुप होने का नाम ही नहीं। मतलब इसको आपने कुछ नहीं बोलना है, जो कर रहा है वो कर भाई, तो लेकिन चुप बैठ, ये वाली नौबत आ जाती है। तो ये जो बच्चे हैं, इनको कौन सी दवाई लेनी? सीना इसका नाम है। ये जो दवाई है बहुत ही कॉमन है बच्चों के लिए, प्राय हर एक बच्चे को दी जाती है, और इनकी जो ये भूख इतनी ज़्यादा लगती है इनको, इसकी वजह से इनका हाजमा भी खराब हो जाता है। हाजमा जैसे ही खराब हो जाता है बच्चों का या बड़ों का भी, पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स, तो वर्म्स की एक नंबर वन दवाई है सीना। तो ये दवा जैसे ही आप देते हो, आप 30 पावर में भी यूज़ कर सकते हो, 200 में भी यूज़ कर सकते हो, 4-4 घंटे से भी यूज़ कर सकते हो, इसको देखते ही बराबर 2 दिन में बच्चा एकदम शांत हो जाता है, आप जो बोलेंगे वो सब सुन भी लेता है, शांति से खाना भी खाता है, बार बार खाना मांगता भी नहीं है, अच्छे से सोता है, एकदम शांति से सोता है, और आपको ऐसी प्यारी सी लुक देगा, हंसेगा आपके तरफ देख के, आपकी गोद में आएगा, आपके साथ खेलेगा। तो ये नॉर्मल है ना कि बच्चों ने
सबके साथ खेलना चाहिए, सबके पास जाना चाहिए, मज़े करने चाहिए, लेकिन ये बच्चे इतने इरिटेट हुए सो रहते हैं कि इनको कुछ भी इनको पसंद नहीं आता है, हर हर चीज़ में रोते हैं। और इनको मीठा तो बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट्स तो रो रो के पूरा अक्खा कैडबरी खा लेंगे, लड्डू बनाए तो पूरा एक या दो लड्डू इनको चाहिए, आप थोड़ा तोड़ के देंगे तो वापस चिल्लम चिल्ली रोना शुरू कर देगा, अक्खा लड्डू चाहिए इनको, तब जा कर के ये थोड़ा शांत बैठते हैं। तो जैसे ही ये कंधे पे इनको लेते हो आप, थोड़ी देर में ये सो जाते हैं। इनको आप धीरे से जब बेड पे सुलाते हो, अगर आप इनको सीधे सुला दिए तो ये तुरंत जाग जाएंगे, इनको उल्टा पेट के बल सुलाना पड़ता है, तब जा कर के शांति से सो पाते हैं। तो ये थी सीना, और ऐसे बच्चे आपको कई बार मिले भी होंगे, और आपको तब उस वक्त लगा होगा कि यार इसको क्या करूँ अभी, ये शांत हो जाएगा, तो कुछ मत करिए, इसको सीना दीजिए, ये शांत हो जाएगा। तो रोने वाले बच्चों के लिए और भी कुछ दवाइयाँ हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। ये जो तीन चार दवाइयाँ हैं, ये कितना भी बच्चा चिड़चिड़ा हो, कितना भी रो रहा हो, इसमें से आप एक खुराक देते ही शांत हो जाएगा, इतनी इसमें पावर है, इतनी ये मैजिकल मेडिसिंस है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट, थैंक यू वेरी मच।